सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। दुखद है, बहुत दुखद इस बात की के लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। और याद कीजिए उस समय जब लॉकडाउन का समय था, जब हर चीज़ बंद थी, उस समय भी अपराधियों ने खुलेआम घटनाएं की, लूट, अपहरण, बैंकों में डकैती, हर तरफ आप देख सकते हो घटनाएं होती जा रही हैं। और इतनी बेईमानी या भ्रष्टाचार पुलिस ने कभी नहीं किया होगा जो आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 100 नंबर इसलिए बनी थी कि गरीब की मदद हो, लेकिन 100 नंबर ही 112 होने के बावजूद उसको बेकार कर दिया। सरकार केवल राजनीतिक लाभ लेने के लोगों को परेशान कर रही है। आप याद कीजिए आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता, उनके ऊपर कितने झूठे मुकदमे लगे, ये तो हम समाजवादी लोग कहते थे। और आज बताइए उनके विधायक क्या कह रहे हैं, और एक विधायक नहीं, न जाने कितने विधायक कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। ये सवाल अलीगढ़ के विधायक का नहीं है कि पुलिस ने विधायक को मारा या विधायक ने पुलिस को मारा, आखिरकार इसको सिखा कौन रहा है। मुख्यमंत्री जी अगर सदन में कहेंगे ठोको, तो कभी जनता को नहीं पता किसको ठोकें और कभी पुलिस को नहीं पता किसको ठोकें। और उसी का परिणाम ये हुआ कि थाने में पुलिस को नहीं पता था किसको ठोकें और विधायक जी को नहीं पता था किसको ठोकें। आज विधायक देखिए, जब तक आपको वोट चाहिए था राज्यसभा का तो आपके सबसे प्रिय विधायक थे, आपकी पार्टी का लोकसभा में प्रत्याशी जीत जाए तो सब अपराध आप भूल गए। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि अब आप उसी विधायक को जो चिल्ला रहे हैं शायद हत्या ना हो जाए। चाचा तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन ये किसान और गरीब अगर समझ जाएंगे सब बता देंगे। आया तुम बता, तुमने इससे अच्छी सड़क देखी कहीं? नहीं। तो अपनी रिकॉर्डिंग करो। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।